अपार जनता के बीच काफी स्नेह और प्रेम मिल रहा है और बहुत ताकत मिल रहा है। हम वादा करते हैं, आम जनता भी सब लोग मौजूद हैं, कि अगर हमें आपने मौका दिया, अगर हम विधानसभा जीत के जाते हैं तो करेंगे, और ऐसा करेंगे कि लोग भी देखेंगे कि हाँ कोई विधायक आया है। सारे वर्ग के लोग, सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग सब कुछ छोड़ के एक साथ आ चुके हैं। ये बदलाव का लहर है और ये सेमीफाइनल है, देश में बदलाव होगा। ठीक है, देश प्रदेश से नेता आएंगे, वोट मांगेंगे, वोट देने थोड़े जाएंगे, वोट तो ये लोग देंगे। जनतेन का सिपाही हूँ मैं, इसमें कोई आम जानता है तो सब एक तरफा है राजन। आरजेडी से भाजपा वाले लड़ेंगे, डोरू लोग का अभी चेहरा का जो है मावसिया गया, उड़ गया चेहरा, अभी देखिए खेला कैसे कैसे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आज। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ गोपालगंज के यादवपुर का अवध नगर में। यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी यानी राजद के जो प्रत्याशी है मोहन गुप्ता, वो जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरह से उनका जनसंपर्क हो रहा है वो हम तस्वीर आपको दिखाएंगे कि वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और लोगों से जो है वो मिल रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। हम उनसे बात भी करेंगे, ज़रा देखिए कि वो यहाँ जो है वो किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं और पीछे जो लोग हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है, क्या लोग कह रहे हैं। लाइव सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने जो हमें लालटेन दे के भेजा है, इस अपार जनता के बीच काफ़ी स्नेह और प्रेम मिल रहा है और बहुत ताकत मिल रहा है। हम 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हम जनता के बीच घूम रहे हैं, लोगों के बीच घूम रहे हैं, देवतुल्य जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, तो बहुत ताकत मिल रहा है और बहुत जन समर्थन है। बदलाव की लहर है, पिछले 15 साल 20 साल में कुछ हुआ नहीं है और कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम वादा करते हैं, आम जनता भी सब लोग मौजूद हैं, कि अगर हमें आपने मौका दिया, अगर हम विधानसभा जीत के जाते हैं तो करेंगे, और ऐसा करेंगे कि लोग भी देखेंगे कि हाँ कोई विधायक आया है, और ऐसा विधायक कुछ करना चाहिए। जब आप आम जनता जब चुन के भेजती है और आप जा कर के उन जनता का जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उसको लेकर अगर विधानसभा में आवाज़ आप नहीं उठाते हैं, उसको दूर नहीं करते हैं, तो आपके जीतने का कोई मायने मतलब नहीं है। इसलिए आप जनता से हम अच्छा, काफ़ी दिनों से आप घूम रहे हैं, कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे कुछ ऐसा क्या मिला आपको को जिसको आपको बहुत ज़रूरी हो करना चाहिए, लोग जो डिमांड कर रहे हों? देखिए, अभी सबसे ज़रूरी है बांध की समस्या। अभी हम बांध से होके आ रहे हैं, पतहरा बांध से होते हुए एक बांध, एक जगह ऐसा भी बांध है जहां पर पिछले बार मनमाने ढंग से दूसरे जगह काम कराया गया, उसको छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से दबाव कटाव बढ़ जाता है। तो वहां पर अगर हम लोग बांध बनवाने का काम करेंगे तो दबाव इतना कम हो जाएगा कि बांध पानी का बहाव ही अलग चेंज हो जाएगा, जिससे हमारे ग्रामीण जनता जो पतहरा से लेकर के और यहाँ तक जो भी लोग हैं उन्हें काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी अच्छा महसूस होगा। लड़ाई जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि त्रिकोणीय नहीं चौकोणीय होती जा रही है, MIM भी अपना प्रत्याशी यहाँ उतार दिया है, तो क्या लगता है कि प्रभावित करेगा? आप अभी तो घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक तरफा लड़ाई है, उनका कोई ये जो महागठबंधन है जिसमें RJD है, RJD समर्थित महागठबंधन में CPI, CPM, MALE, JDU, हम, ये तमाम पार्टियां एक साथ, जिसमें हमारे सहनी जी का भी समर्थन प्राप्त है, तो अपार जन समर्थन है और सारे, हमको लगता है ये A to Z पार्टी है। सारे वर्ग के लोग, सारे जाति के लोग, सारे धर्म के लोग सब कुछ तोड़ के एक साथ आ चुके हैं। ये बदलाव का लहर है और ये सेमीफाइनल है, देश में बदलाव होगा। अगर ये दोनों चुनाव अगर हम जीत के जाते हैं तो निश्चित रूप से देश में कुछ नया बदलाव होगा और नया कुछ दिखाई देगा। अच्छा, BJP से लड़ाई बताई जा रही है महागठबंधन की, सभी नेता आ रहे हैं उनके कैंपेन में, तो क्या लगता है कि महागठबंधन किस तरह से कैंपेन करेगी जो जीत पाएगी? जनता खुद नेता है, जनता फैसला करेगी। मोहन, जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है, जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं है। जितने भी नेता आएंगे, वोट तो आम जनता देगी और आम जनता का समर्थन आप देख रहे हैं किस हिसाब से हमारे साथ। आम जनता ना मालिक होती है, ठीक है, देश प्रदेश से नेता आएंगे, वोट मांगेंगे, वोट देने थोड़े जाएंगे, वोट तो ये लोग देंगे जो सारे लोग आप देख रहे हैं। आप घूम कर देख लीजिए, आप एक एक पंचायत जाकर देख लीजिए,
85% महागठबंधन और 15% में वो लोग रह गए हैं। क्या हो, क्या लग रहा है कि महागठबंधन का कैसा समर्थन है? पूरा समर्थन है, देख सकते हैं जैसे नेता जी राजा दल बनाते हैं गोपालगंज में, पूरा बिहार का लोग आता है देखने। ऐसे हमारे नेता हैं, ऐसे ही हमारे विधानसभा का विकास करेंगे, पूरा बिहार की जनता आएगी देखने के लिए। हमें पूरा पूरा एकदम विश्वास है। युवा जा रहा है उनके साथ? युवा क्या, हर वर्ग के लोग जा रहे हैं, हर, देख सकते हैं आप, जनता से पूछिए सब बताएगा जनता। पूरा समर्थन है हम लोग का, इसमें क्या देखना है? चाचा क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? इधर देखिए, किसके साथ जाएंगे हम लोग? राजद के साथ जाएंगे। राजद जीत रहा है या लंटेन जीत रहा है? लंटेन का सिपाही हूँ मैं इसमें, कोई आम जानता है तो सब एक तरफा है राजद का। क्या लग रहा है, क्या? हम पटेल आदमी है, ठीक है। महा जो बीजेपी का है वो जुमला पार्टी है, वो झूठा पार्टी है, ठीक है। अब की पार बस नीतीश कुमार यादव। बताइए क्या लग रहा है कि बीजेपी को मात दे पाएंगे आप लोग? ना बीजेपी कहाँ लड़ाई में, महागठबंधन लड़ाई में लालू यादव नीतीश कुमार सब लोग साथ है। हम लोग उसी महागठबंधन के साथ में हम लोग बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। मोहन भैया युवा है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बीजेपी लड़ेगी ORJD से लड़ेगी। लालटेन जिंदाबाद, चुपचाप लालटेन छाप। चलिए, तो ये तमाम लोग थे जो यहाँ मौजूद हैं। सभी लोगों का कहना है कि मोहन गुप्ता इस बार जीत हासिल कर रहे हैं, यानी इनको अपार समर्थक मिल रहा है, जनसंपर्क मिल रहा है। हमारे साथ एक और युवक है, वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे। चाचा कहा कहा था निकला के वोट दिया यहाँ के, हमने वोट दे यहाँ के जीतावे के बाद यहाँ के आगे बढ़ाव का है, का कोनो बात का है यहाँ के जीते हमने के आगे बढ़े सन बुझ नी। और सुभाष और कोई जीतल बा कुछ कैले नहीं है, अपने देश के अपने बढ़ावा करे के बा, जैसे नरेंद्र मोदी रहले अपने देश के बढ़ावा कैले, अयोध्या जी में मंदिर बनवा दिले, और विभाग नेता में का भइल बा यहाँ कुछ नहीं का भइल, कुछ नहीं का भइल, यहाँ का भइल बा बदले के बा कुछ नहीं का बनवा बदले के बा यहाँ वहाँ बदले के यहाँ का बढ़ावा के बा। सत्रह साल हो गए सुभाष सिंह के यहाँ लड़ल, हमारा बिशुनपुर पंचायत में आज ले सुभाष सिंह का कहीं बैनर और पोस्टर देखी ना कि हाँ हई हमनी का, हई हमनी का मंदिर के चंदा खाती घर नहीं सन, हमनी घर नहीं सन 10 मोटरसाइकिल लेके, तो कहले कि हई 500 रुपया चंदा दे दो, हमनी के जाए में 1000 रुपया लग गए रहे तेल के, आ चंदा दे 500। 17 साल में आज ले बीजेपी का कहले बड़ा सुभाष सिंह बदला है, बदलाव है, बदलाव है। ORJD से भाजपा वाले लड़ेंगे। डर उन लोग का अभी चेहरा का जो है मावसिया गया, उड़ गया है चेहरा, अभी चेहरा उन लोग का उड़ गया है। अभी देखिए खेला कैसा कैसे होगा। कॉल मांगे तो कॉल नहीं दिया है, कॉल नहीं मिला है। ऐसे मांगे थे उनसे सुभाष। चलिए, तो ये तमाम लोग जो थे, ये जो जनसभा जो समर्थक मांग रहे हैं मोहन गुप्ता, उनके साथ जो है तमाम लोग हैं, और अपार समर्थन जो है इनको मिल रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि हम इस बार बदलाव की लहर है और इस बार बदलाव करना चाहते हैं। आप देख रहे थे लाइव सिटीज, मैं हूँ गोपालगंज से आयाज अहमद।